पार्किंग में लगा दिए गाड़ी, तो पर्ची पकड़ लें। अलफता जा रहे हैं वहाँ से कुछ सामान लेना घर के लिए, तो सामान लेते हैं उसके बाद इंशाल्लाह जाते हैं खाना वगैरह खाने जाके। शॉपिंग हमारी होगी कंप्लीट। बाकी महंगाई क्या होनी, इन्होंने पर्ची 15 रुपए की कर दी है, पहले 10 रुपए की थी या 15 रुपए की कर दी है सिर्फ बाइक खड़ी करने की। यही वाला फ्लोर हमारे घर में लगा हुआ है। मैं ये फ्लोर अच्छा जी, ये 7 स्पाइसेस पे हम लोग आए हैं, रेस्टोरेंट है मतलब कि एक बार पहले भी आए हैं तब प्रॉपर आपको वीडियो नहीं मैंने बना के दिखाई। ठीक है, ये सारी सीटिंग हुई है, तकरीबन काफ़ी सीटिंग हो जाती है यहाँ पे, तो लास्ट टाइम मैं आपको फैमिली वगैरह काफ़ी बैठी हुई थी, मैं बना नहीं पाया यहाँ पे, तो आज खाली है तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं कहा चलो यहाँ बनाते हैं आगे, इसका भी एक बार दोबारा रिव्यू दे दें रेस्टोरेंट का। 7 स्पाइसेस है, इसका मेन्यू देखते हैं क्या क्या है। ये इसकी रेट लिस्ट है, सूप कौन सा करना है, हॉट एंड सोर्स करना है, स्पेशल सूप है हॉट एंड सोर्स सूप, 625 का फुल है भाई। एक ना सूप आपने पैक करना है फुल, कितने का, 725 का ना। हाँ तो एक पैक कर दें आप, हाँ जी हाँ जी, उसके अलावा मैं आपको देता हूँ ऑर्डर एक सेकंड, और उतनी मांगे दे देना टाइम लगेगा। चिकन कबाब मसाला हो गया, हाफ हो जाएगा, ये 2% ही होता है, इसमें 3 कबाब होते हैं। अच्छा, और आप एक कर दें फिश क्रैकर, फिश क्रैकर कर देना। अच्छा फ्राइज कर लेंगे, कर देना एक पराठा कर देना इंशाल्लाह ताला। इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना फिर उसे लेके आया करेंगे, उसके लिए एक सीट इन्होंने रखी हुई यहाँ पे। आज ही हम लोग 7 स्पाइसेस पे आए हैं, सेकंड टाइम आए हैं तो, क्योंकि बाबा टिक्का पे तो बहुत बार जा चुके हैं हम लोग, तो खाना भी ट्राई किया हुआ है यहाँ का, हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो अच्छा लगा खाना, फिर सेकंड टाइम आए हैं क्योंकि जिस चीज़ का मतलब खाना अच्छा हो वहाँ पे आना चाहिए बार बार। जो मेरे जैसे लोग हैं बेचारे वो एक ही रेस्टोरेंट से बार बार खाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ का खाना अच्छा है कि नहीं अच्छा, तो जो हमारे जैसे लोग हैं ना वो आपको पता कि एक ही जगह पे खाते हैं, खा के तो उधर ही मतलब बार बार जाते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू की है ताकि उन्हें जो हमारे रेस्टोरेंट है ना कोहे नूर वाले मतलब जो चौक है मस्जिद वाला चौक उधर लाइन वाइज काफ़ी रेस्टोरेंट बन गए। आज से 2-4 साल पहले वहाँ पर एक रेस्टोरेंट नहीं थे, है एक दो ही थे, बाबा टिक्का था या एक आधा तंदूरी वगैरह था, तो अब तो माशाल्लाह लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो बार बार उधर ही जाते हैं दोबारा, तो वही खाने खाते हैं। तो मैंने सीरीज बनाना शुरू कर दी है ताकि मैं हर एक रेस्टोरेंट पर जाऊं, खाना तो है मैंने, तो चलो आप लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ पे खाना कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो इसलिए मैंने बनाना शुरू कर दी है। तो आज मैं इधर 7 स्पाइसेस आप पीछे नाम पढ़ सकते हैं, तो इधर आया हूँ खाना ट्राई करने के लिए, साथ आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि अच्छा बना है कि नहीं बना। लास्ट टाइम मैंने बनाना शुरू किया था तो पीछे जब सीटिंग आप देख सकते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फैमिली वगैरह बैठी हुई थी, तो यहाँ पे ना काफ़ी फैमिलीज बैठी हुई थी तो मुझसे बना नहीं, मेरे ना शायद ऐसे ना थोड़ी सी ये भी है झिझक है, तो कोई नहीं अल्लाह खैर करे आप अपना हेल्प करें मेरी, तो इंशाल्लाह शायनेस मेरी इंशाल्लाह ऐसे से ख़त्म हो जाएगी तो मैं बनाना शुरू कर दूँगा इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा और मैं कितना ईजी यहाँ पर मतलब कि बोल रहा हूँ आपके सामने, अब इस जगह पे आपको मैं दिखाता हूँ, लड़का और लड़की खड़े हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मुझे ना हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए आप, ये लड़का है पीछे उसकी लड़की खड़ी हुई है, तो 2 मिनट बाद ना ऐसे करके मुझे देखते हैं,
तो मैं उनकी तरफ ऐसे करके देखता हूँ तो मैं वहाँ चुप कर जाता हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता। कोई नहीं, ये झिझक जो सी है ना अभी ख़त्म हो जाएगी, एक दो बार और बनाऊँगा ना गैदरिंग के अंदर शुरू करूँगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं फैमिली फ्रेंड वगैरह जो उनसे हैं तो उन्हें तो पता चल गया मैं शुरू कर दी है। उनके साथ मुझे अब कुछ नहीं होता, मेरे फैमिली के साथ कुछ नहीं होता, जो न्यू पर्सन मुझे देखता है तो उसके लिए ज़रा मैं ना होता हूँ। कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। चले जी, खाना हमारा आ चुका है तो खाना स्टार्ट करते हैं अब। बाबा टिक्का से ना काफी अच्छा खाना है, बाबा टिक्का अपनी जगह है लेकिन यहाँ का खाना काफी अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा फिनिश हो चुका है। ये फ्रंट लाइन, ये बड़ी वार्म स्पाइसी, इसको चेक करें जरा, सबसे आउटस्टैंडिंग खुशबू है। इसकी पैकिंग दिखाइएगा, इसके अंदर वॉच है जो रनिंग में है, ये है तो मनी है, इसके अंदर यूएसबी की है, आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसकी मेमोरी। क्या प्राइस है इसकी? 8200, दोनों की सेम प्राइस 8200। और इसकी आपने उसकी सॉरी 5500 सही हो गया। वापसी पे जे रोड पे खड़े थे तो एक परफ्यूम पसंद आ गई है, वो परचेज की है, अब देख के तो आगे चलते हैं। यहाँ से ईसा के कुछ खिलौने लेने हैं तो वो ले लें, फिर घर चलते हैं वापस। इधर से अब ईसा के लिए लेने हैं कुछ चीज़ें लेनी, खिलौने वगैरह। इधर खिलौनों की हर वैरायटी मौजूद है, देखिए आप कुछ भी आपको चाहिए होगा तो यहाँ से आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। एक ये देखने, और एक वो ना माशाल्लाह बैठना शुरू करने लगा तो उसके लिए वो लेना है, टेक के लिए ना चेयर सी बनी हुई है छोटी सी, वो लेनी है, ये पड़ी हुई है, ये देखें जी ये लिया है ये वाला। इसमें ये क्या बैठना शुरू कर देगा, अल्लाह खैर करे, गिरने का जो हम छोटे हमारे साथ होता था तकिए लगाते थे इर्द गिर्द, तो ये वो चीज़ नहीं है, फैंसी चीज़ आ गई इसमें, बस बैठा देना है तो गिरेगा नहीं, आगे पीछे इसको सहारा मिलता रहेगा। अच्छा जी, एक ये लिया है बैठने के लिए, सेकंड ये लिया है, ये अपना म्यूज़िक भी इसके अंदर और रिकॉर्डिंग भी है। नहीं भाई खुश नहीं हुआ, पैसे नहीं पूरे हुए, ये डर रहा है इसके अंदर बैठ के ना, रो रहा है।